नहीं है माउंटेन के साइडों से, इसके ऊपर स्लाइडिंग होते है ना, स्लाइडिंग होते है फिर ये मूव भी करता है साथ साथ। आपको कैसे बता दो स्लाइडिंग कहाँ से होती है? ये माउंटेन से साइड वाले जो पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ कौन से? ये ऊपर ग्लेशियर निकलता है सारा, ये ऊपर व्हाइट वो पहाड़ नहीं है व्हाइट, हाँ व्हाइट वो केपल पीक है। अच्छा, और इस साइड पे जो है वो शाल्टर पीक है। अच्छा, और ये ग्लेशियर का नाम होपर ग्लेशियर है। होपर ग्लेशियर, वो ग्लेशियर होपर ग्लेशियर कौन सा है इस टाइम? ये सारा नीचे, ये सारा इकट्ठे को होपर ग्लेशियर कहते हैं। हाँ, ये इसको होपर ग्लेशियर कहते हैं, लेकिन ये पूरा वैली जो है इसका नाम होपर है। अच्छा, वो वाली पीक का क्या नाम बताया आपने? दूसरी का पीक अल्टर पीक, शल्टर। यहाँ पे एक और भी दो तीन थी पीक, यही दो हैं बस। इस साइड पे है वो बादल में छुपी हुई लेडी फिंगर, और अल्टर पीक इस साइड पे है, लेडी बादल में छुपी हुई है। वो जो बादल में छुपी है वो लेडी फिंगर है। इस साइड पे जो है वो लेडी फिंगर, इस साइड पे जो है वो उल्टर पीक है। अच्छा, ये लेफ्ट साइड वाली लेडी फिंगर और राइट साइड वाली उल्टर पीक। अच्छा, ग्लेशियर का 370 फुट, 375 सॉरी 375 फुट इसकी गहराई है इस ग्लेशियर की। 375, और ये 17 किलोमीटर लंबा है। 17 किलोमीटर, 75 किलोमीटर के फुट। और ये तो बर्फू ग्लेशियर नाम का, इसके बैक साइड पे है ना, 17 किलोमीटर वो तो पूरा फुल व्हाइट है, इसका दुगना है, बहुत बड़ा है। उसको फीमेल कहा जाता है और इसको मेल कहा जाता है। अच्छा, मेल फीमेल की पहचान क्या है? पहचान यही है कि वो ग्लेशियर इसके ऊपर छोड़ोगे ना, फिर इसका वो कटिंग होगा, कटिंग होगी, टुकड़ा होगा वो व्हाइट ग्लेशियर का। किस तरह फेंकते हैं, मतलब किस तरह? इस तरह वो एक दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं ना ग्लेशियर्स को, आपस में वो उसके वो कनेक्टिंग करते हैं, कनेक्टिंग करवाते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत यानी काट के बर्फ, थोड़ी 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 वो, फिर वो कुदरती तौर पे वो व्हाइट ग्लेशियर नहीं है, फिर वो टुकड़ा टुकड़ा होता है। फीमेल वाला, मेल से ही रहता है, मेल ऐसे ही रहता है। अच्छा, क्या मेल तो कहाँ पैदा करता है। अच्छा, फीमेल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, यानी मींस की जैसे बच्चा का होता है ना। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सही 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 सही। और रश लेक इसके बैक साइड पे है, रश लेक 4 दिन की ट्रैकिंग, 4 दिन का ट्रैकिंग जाना है यहाँ से। अच्छा, आप 4 दिन के लिए तैयार है अभी? कहाँ, फिर जुलाई अगस्त में आ जाइए, फिर उस टाइम प्लेन बना के आइए ना। अच्छा, आओगे तो फिर उस टाइम आपके लिए फिर चांस मिलते हैं। हमने वहाँ पे पासू ग्लेशियर देखा ही नहीं, हम तो भैया वो दूसरा देखते रहे, आप कहते भी एक ग्लेशियर नहीं, यही मैं तो इसी को देखता रहा हूँ उधर, पासू ग्लेशियर भी इसी तरह था। पासू ग्लेशियर मेल है फीमेल है उसका नहीं पता, उसका पता नहीं है दुनिया में कितने वो है। वो तुम मान रहे थे बहुत ज्यादा, वो भी यही था ना, वो यही ग्लेशियर था, हमें पता ही नहीं लगा, लेकिन वो काफी बड़ा था ना। लेकिन ये 17 किलोमीटर है, वो कितने किलोमीटर होगा आपको? अच्छा, हम इसके पास जा सकते हैं नीचे? जा सकते हैं, क्यों नहीं, वो ट्रैक बना हुआ है, देखो वो ट्रैक बना हुआ है नीचे इसके ऊपर, और आगे वो ऊपर वाला भी पॉइंट है। अच्छा, आप बताने लगे थे मूव किस तरह करता है? मूव ये इस तरह करता है कि ना, हम हमारे इसके बैक, इस पहाड़ के बैक साइड पे हमारा माल मवेशी है, माल मवेशी ठीक है, तो हम हर हफ्ते लाजमी जाते हैं इस ग्लेशियर को क्रॉस करके, इसके ऊपर से क्रॉस करके जाते हैं हम, ठीक है, तो हम रास्ता बनाते हैं, फिर एक दो हफ्ते बाद वो रास्ता आगे आता है। ओ गुड, ग्लेशियर के इस साइड पे रास्ता नहीं है, ग्लेशियर से इस साइड पे जो रास्ता है वो इस अपने जगह में ही रहता है, लेकिन ग्लेशियर का रास्ता आगे जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी वजह इसी से अंदाज़ा होता है कि ग्लेशियर मूव करता है, और वो आगे वो यहाँ पे दुनिया के बहुत लोग आते हैं ना, तो उन्होंने भी रिसर्च किया था, साइंटिस्ट वो इसके बारे में रिसर्च किया था ना। ये दुनिया का एक ही ऐसा ग्लेशियर है ना? है बहुत से ग्लेशियर से, लेकिन ये फास्ट मूविंग करता है। अच्छा अच्छा, इसकी डेप्थ किस तरह पता लगी? डेप्थ किस तरह पता लगी, इसकी गहराई किस तरह पता आपको? गहराई भी वही बस उन्हीं से सुने हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे कहाँ गए हैं? सही सही सही, कि बहुत लोग आते पहले यहाँ पे, गोरे लोग ज्यादा आते थे। अच्छा, 2005 से पहले जब क्वेटा में वाकया नहीं हुआ था, हादसा नहीं हुआ था, जिलजिला कहना ही, वो उधर वो गोरे को जिम्मा किया था। अच्छा, इसी वजह से फिर उसके बाद गोरे आना बंद हुआ। अच्छा अच्छा, अभी हमारे पाकिस्तानी लोग ज्यादा आते यहाँ पे। अच्छा चले, ऊपर ऊपर भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, उसके ऊपर भी पॉइंट है, फिर वहाँ से आपके लिए गाँव का भी नज़ारा होगा, और ग्लेशियर्स का भी, माउंटेन्स का भी अच्छा नज़ारा होगा ऊपर से। गुड, चलो भाई, तो ग्लेशियर के पास ही जाना, वापसी पे चलेंगे, वापसी पे चलेंगे। ग्लेशियर पे आपको लगेगा तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा। ये तो सीधा सा रास्ता है। अच्छा, 1.5 घंटा आपको ग्लेशियर पे, ग्लेशियर का लगेगा आने जाना, और ऊपर भी पॉइंट नहीं है ऊपर, उधर आपके लिए लगेगा 10 मिनट, क्योंकि इसका रास्ता इतना वो नहीं है। हम ग्लेशियर पर जाके चलेंगे। हाँ, ग्लेशियर पे जा सकते हैं, 1.5 घंटा में लगेगा जाते में सिर्फ, और 1.5 घंटा नहीं, आने जाने 1.5 घंटे। जी अनस भाई,
आप डेढ़ घंटे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई मसला नहीं, मेरा ख्याल चलते हैं नीचे जाके ग्लेशियर पे चलते हैं। उसको इतना करीब था, उसको हाथ लगा सकते थे हम? उसको नहीं लगा सकते, लगा सकते नहीं, सोच रहे वो उधर पास पे भैया, नहीं वो तो बहुत इससे भी दूर था, इससे भी दूर था, क्योंकि इससे भी बहुत दूर, वो मैं खाली दूर से पहाड़ नजर आ था, लेकिन मैंने ये मुझे कहते हैं ग्लेशियर है, मैं कहा नहीं पत्थर पड़े हुए हैं, नहीं नहीं मुझे तो पता था ग्लेशियर है, तुम लोग आगे थे ना सर, इनको मैं कहता रहा, मैंने कहा यार ये पत्थरों का पहाड़ है, ये ग्लेशियर नहीं है, मैं कहता बर्फ बहुत ज्यादा मतलब जमी, उसकी तो तस्वीर खींची हुई है ना। अच्छा, और इसके बारे में मैंने सुना है, कहते हैं पता नहीं इसके बारे में कोई मिथ भी आया बना किसने, पता नहीं किसी ने दुआ की थी, इसने कोई है कोई इस तरह का? हाँ, उसका हिस्ट्री है बहुत बड़ा, वो पुराना, वो बहुत बड़ा हिस्ट्री है, तकरीबन 1500 पहले का। क्या असल में यहाँ ये था ना, इधर की आबादी था पहले। अच्छा, ऊपर इसके? हाँ, इसके ऊपर इसके, ये ग्लेशियर बहुत बड़ा था ना, काफ़ी ऊपर था, तो यहाँ पे काफ़ी आबादी था, तो ये ग्लेशियर इधर नहीं था, आबादी था वो ग्लेशियर उस साइड पे थे, तो यहाँ पे जो है ना पहले वो उन आदमियों के ज़माने में जो है ना यहाँ पे एक शादी एक था। अच्छा, शादी एक था एक बुज़ुर्ग के, वो शक्ल में कहते हैं, वो एक कुत्ता है गाया है कहते हैं, कुत्ता आके फिर उनके रास्ते में बैठा है, घर के रास्ते में। अच्छा, जो लोग आने जाने होते थे ना, वो बस आने जाने ही हो गए हैं, उनको उन पर गौर नहीं किया है, वो कुत्ते पर गौर नहीं किया उन्होंने। अच्छा, नहीं किया तो फिर क्या हुआ, एक वो औरत है कहना बूढ़ी दादी का, कि कहा कि कहाँ से आए आप, साइड हो जाइए, रास्ते में क्यों बैठी हुई हो? कुत्ता से कुत्ते को कहा? हाँ, कुत्ते को कहा है ना, तो फिर वो अपनी शक्ल में आए ना, अपने चेहरे में बुजुर्ग की शक्ल में, कहा कि दादी आप साइड हो जाइए यहाँ से। अच्छा, लेकिन ये लोग अच्छे नहीं हैं, उनके ऊपर मैं गज़ब डालूंगा। अच्छा, आप साइड हो जाइए। अच्छा, फिर वो दादी साइड हो गई, बाकी ये ग्लेशियर जो है ना ऊपर से इनके ऊपर गिर गए हैं। अच्छा, यही कहते हैं, लेकिन मुझे भी मतलब ऐसे बस वही मतलब एक बात एक है इसमें मशहूर। अच्छा, वैसे आबादी के बारे में कोई रिसर्च है कि पहले यहाँ पे आबादी थी या नहीं? पहले बहुत आबादी थी, पहले थी, बाकी ये बात तो सही है। शिनबदत नाम का एक था ना, शिनबदत उस टाइम काफ़ी पहले, वो शिनबदत नाम का एक लड़का, वो बादशाह था हमारे यहाँ के, तो उसकी दिल मखंग का था, हमारे इस तरह के नहीं था, उसका बेटर का था उसका, वो तो वो गर्मी में आगे पहाड़ों पे बैठता था, सर्दी में इलाके में आता था, और फिर क्या करता था वो पता है, घर 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 घराने से उनके लिए वारी वारी पे, बारी वारी पे उनके लिए वो शीफ नहीं होती बकरी शीफ, उनके बच्चे लाते थे उनके लिए। तो एक दादी ने क्या किया, उनके पास वो नगास था ना, कुछ था कुछ नहीं था, तो एक वो छोटे वो बेर वो शिव का बच्चा एक ला के उसने अपने पाला, अपने दूध पिलाया, उसको पिला के फिर काफ़ी टाइम बाद उसकी वारी आई तो फिर वो बादशाह को दे दिया, तो फिर उसने उसको ज़िबा किया, ज़िबा करके खाया, तो उसका गोश्त बहुत मज़ा आया ना, मज़ा आया था, आपने क्या किया था इसका, इतना अच्छा गोश्त है, तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने अपने दूध पिला के इसको बड़ा किया था, इसको पाला था। तो उसके बाद से उसने क्या किया, उस मनहूस ने फिर छोटे बच्चे को खाना स्टार्ट किया। अच्छा, फिर उसकी एक बेटी थी ना, इतने कोशिशें करते थे कि उसको मारने के लिए, लेकिन वो नहीं मारता था, फिर अपने वो पूरे जिस्म ना फिर जोड़ता था, इस तरह जितना है उसको काट दो, फिर वापसी शाम की तरह वो अपने वो जुड़ जाता था। अच्छा, तो फिर एक दिन उसकी बेटी को कहा ना किसी ने, कहा एक वो लड़के ने वो उसको फंसाया ना, उस लड़की को अपने वो प्यार, उसकी बेटी को, हाँ प्यार में फंसाया, फंसा कहा कि आपके अब्बा किस तरह मरता है, उसका क्या है, इसकी क्या सीन है, हमें समझ नहीं आता है। कहा तो फिर उस बेटी को कहा ना, आप अपने अब्बा से बताओ, कहा तो उसने कहा ठीक है, कि फिर पूछ के बताया, क्योंकि क्या अपने बाप से काफ़ी बार पूछे उसने, तो उसने नहीं बताया, आखिर उसने ज़िद किया, मैं आपके साथ नहीं बैठता, ये है वो है, क्या तो किसी को मत बताना मत, ठीक है, कि फिर उसने बताया मेरा दिल मखान का ये है वो है, कहा। अच्छा, तो फिर उस लड़की ने क्या किया, फिर बाहर वाला अपने प्यार को बताया, वो लड़के को बताया, तो फिर सब इकट्ठा होकर फिर इतफाक करके बड़े बड़े से वो बनाए ना, खंदक बनाए। अच्छा, खाइयां से? हाँ, फिर उसके अंदर फिर लकड़ डाल के फिर उसमें आग जलाई, फिर रात को उसको बुलाया, तो फिर वहाँ पे ही फिर वो वो खड़क में डाल के खड़क में गिर गया। अच्छा, फिर वहाँ पे उसका वो मक्खन का वो नहीं था दिल पिघल गया, वो पिघल गया, फिर वो मर गया। अच्छा, हम हर साल उसका वो करते हैं ना, आग जला के ना। अच्छा, मनाते हैं उसका दिन, मनाते हैं उसका दिन, मनाते हैं आग जला के। अच्छा, उसको कहते क्या, नाम क्या होता है उसका? उसका बस नाम एक नहीं है, नहीं दिन का कोई खास नाम वगैरह रखा होता है आपकी जुबान में? नहीं, बस उसका वो अपना सालगिरह आता है। अच्छा,
उसी में हम करते थे, अभी वो काफी छोड़ दिया है। वो किस तरीके को करते हैं, क्या क्या करते हैं? उसको इस तरह करते हैं कि हम आग जलाते हैं ना, खंदक खोद गया वैसे ही की तरह। खंदक नहीं करते, बस इस तरह आग जलाते हैं, आग अच्छा। जला के फिर इसको अंदर मिट्टी डालते हैं। दिन कौन सा होता है आपका, मतलब चांद की तारीख होती है या अप्रैल, अप्रैल के महीने में आता है उसका। अभी तो काफी छोड़ दिया है, मैं पहले तो हम छोटे हुए करते थे उस टाइम इस तरह की चीजें, रस्में खत्म हो गई है। अच्छा अब नहीं होता, कम हो गए बस इतना, वो नहीं। सही चले ऊपर व्यू पॉइंट देखते हैं ना, फिर उसके बाद सोचते हैं नीचे जाना है नहीं, जाते हैं यार वैसे तो आगे चलते हैं नीचे, मेरे ख्याल से टाइम थोड़ा यार। मुझे व्यू पॉइंट पे तक तो बनाने दे, हाँ व्यू पॉइंट तक। जून नहीं है, ईद के बाद जिस तरह हम हज के लिए जाते हैं ना उसी तरह वो लोग इधर आते हैं।